बनाता है एक हेल्दी स्नैकिंग रेसिपी यानी स्नैक्स की रेसिपी और वो है सोया टिक्की। तो सबसे पहले ये सोया ग्रैन्यूल्स आजकल बहुत आसानी से मिल जाते हैं, इसको बस हमने थोड़ा सा पीस लिया है। पहले तो गुनगुने पानी में इसे सोक करके रखा था घंटे भर के लिए। तो अब खूब सारे मटर इसमें डाल दिए हैं। सबसे पहले नमक, तो नमक डाल दिया, ये गरम मसाला ये इसमें डाल दिया, इसके साथ साथ थोड़ी सी हल्दी, तो मिर्च के बिना तो काम होना नहीं है, तो थोड़ी सी मिर्ची पाउडर ये इसमें जी। ग्रीन चिली पेस्ट है तो ये भी इसमें, ये अदरक लहसुन की पेस्ट ये भी थोड़ी सी इसमें। तो चलिए अब इसमें डाल देते हैं ये उबला हुआ आलू, जिससे कि बाइंडिंग आ जाएगी हमारी टिक्की में। तो ये इसमें थोड़ा सा डाला हुआ है, कभी कभी आलू हाँ। भी अच्छी सबसे अच्छी बात तो ये कि जो मटर और सोयाबीन का मिश्रण है इसमें, इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा है। प्रोटीन इन एनी केस इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ सोयाबीन, लेकिन उसमें मटर डालने से उसमें कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है, फाइबर बहुत होता है, सोयाबीन में फाइबर इतना नहीं होता स्पेशली ग्रैन्यूल्स में। लहसुन भी आ गया इसमें, तो हरे प्याज को बारीक काट लेते हैं। तो हरा प्याज का जो सफेद पार्ट है ये भी हम चॉप कर रहे हैं जी। जैसे कहते हैं ना, हर एक चीज में गुण होते हैं, इसमें बहुत क्विसर्टिन होता है, व्हिच इज एक्सीलेंट फॉर एस्थमा, अल्जाइमर्स डिजीज। हरे प्याज में? यस। क्या बात है। चलिए, तो खूब सारा हरा प्याज इसमें, कद्दूकस करी हुई गाजर ये इसमें डाल देते हैं। वैसे तो बच्चे सब्जियां खाते ही कम है, इस तरह से खा लेंगे। हाँ बिल्कुल खाएंगे। और अब इन सारी चीजों को एक साथ मैश कर लेंगे। तो हमारा ये जो मिक्सचर है यानी कि सोया टिक्की का मिक्सचर है, लगभग तैयार है। क्रंचीनेस के लिए थोड़े से भुने हुए पीनट्स यानी कि मूंगफली है मेरे पास जी, तो ये भी इसमें डालेंगे। आप चाहे तो थोड़ा सा इसे क्रश भी कर सकते हैं जी, चाहे तो होल भी रखें। नट्स एंड सीड्स वैसे ही हेल्दी माने जाते हैं, तो आप खा सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, थोड़े सी मात्रा थोड़ी सी कम रखें। बिल्कुल, इसकी टिक्की बनाएंगे जैसे भी आप पसंद करें, बड़ी चाहे बड़ी बना सकते हैं, छोटी चाहे आप छोटी बना सकते हैं। ये इसकी टिक्की, खास करके ना वेजिटेरियन हाउसहोल्ड्स में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने का बहुत ही अच्छा तरीका है। बिल्कुल, आप चाहे जितनी बना ले, यहाँ पे 5-6 में बना लेता हूँ। चलिए, ये 5-6 टिक्की अब हमने बना ली है। सेकने के पहले ये थोड़े से काले तिल के दाने हैं मेरे पास, तो इन्हें मैं चढ़ा देता हूँ इसके ऊपर, ये इस पर। तो ये टिक्कियाँ हमारी अब बन गई। आप चाहे तो इसे बेक करें, चाहे तो ऑयल स्प्रे जैसे मैं हमेशा यूज करता हूँ, अगर आपको मिल जाए तो ये इस्तेमाल करिए, इससे तेल बहुत कम जाता है। चलिए, अब इसमें जो ऑयल स्प्रे किया था और ये पैन अब गर्म हो चला है, तो ये जो टिक्कियाँ हैं इसे सिकने रख देते हैं। अब बेशक आप चाहें तो इसे ओवन में भी बेक कर सकती हैं। तो जब एक तरफ से आपको लगे कि ये पक गई है, इसमें क्रिस्पी हो गई हैं, तो हल्के हाथों से आप इसे पलट दें, पिंक एक गोल्डन ब्राउन क्रस्ट आ रहा है इसके ऊपर, और 1 मिनट लगना है इसे पकने में। इसकी गार्निश के लिए हमने अंदर हरा प्याज यूज किया था, तो गार्निश भी हरे प्याज से करते हैं। ये प्याज के पत्ते, इसके लंबे लंबे ऐसे डायमंड्स हमने काट लिए हैं, और थोड़ा सा कैप्सिकम भी है मेरे पास, इसके भी हम डायमंड्स काटते हैं। इसे भी डायमंड शेप में काटने के लिए एक तिरछे एंगल में आप छुरी चलाएं। गार्निश भी हो गई। अब हल्के हाथों से इन टिक्कियों को एक एक करके आप कोई सर्विंग प्लेटर में सजा लें। काफी क्रिस्प लग रही है ना, बिल्कुल इतना कम तेल यूज किया है, फिर भी क्रिस्प लग रही है। और अब ये जो स्प्रिंग अनियन हमने काटे थे, आप चाहे तो हल्का सा इसे क्या बात खड़ा कर सकते हैं, ये आ गया। और जो बचा हुआ कैप्सिकम है ये आप रख लें। अब आप चाहे इसे तो कोई भी चटनी के साथ, खजूर की चटनी हो, लाल मिर्च की चटनी हो, हरी मिर्च की चटनी हो, पुदीने की चटनी हो, ये मेरे पास दोनों चटनी तैयार है। खाइए हेल्दी सोया टिक्की। सोया टिक्कीज बनाने के लिए सबसे पहले 1 कप सोया ग्रैन्यूल्स को बॉईल करके ग्राइंड कर ले। फिर इसमें 1 कप मटर के दाने, नमक स्वाद अनुसार, 1-1 छोटा चम्मच गरम मसाला, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, हरी मिर्च का पेस्ट और अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा कप उबले हुए आलू,
आज से 10 कटी हुई लहसुन की कलियां, आधा कप कटा हुआ हरा प्याज, 1/4 कप कद्दूकस की हुई गाजर और 1/4 कप मूंगफली डालकर अच्छे से मैश कर ले। अब इस मिक्सचर में से टिक्कियां बना ले और इसके ऊपर काले तिल के दाने लगा ले। अब एक पैन में एक छोटा चम्मच ऑयल स्प्रे करे और उसमें टिक्कियों को अच्छे से दोनों तरफ सेक ले। हरे प्याज और लाल शिमला मिर्च से अच्छे से गार्निश करे और लाल और हरी मिर्च की चटनी के साथ गर्मा गर्म सर्व करें।